नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशन को लेके 29 जून 30 जून को एग्जाम का आपको लेके नोटिफिकेशन जो वायरल हो रहा है, बात करेंगे उस नोटिफिकेशन में, पूरी जांच पड़ताल करेंगे क्या ये नोटिफिकेशन फेक है या रियल है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि देखिए आपका अगर एडमिट कार्ड अगर ये रियल हुआ तो कब तक आएगा, ठीक है। साथ ही अगर ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से क्या नोटिस जारी किएगा उसके बारे में भी थोड़ा सा हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सब कुछ पूरा डिटेल में, आप सभी को बताना चाहूंगा, वीडियो को एक बार कंप्लीट देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा वीडियो होगा, ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन को लेकर आपका नोटिफिकेशन जो वायरल हो चुका है, जैसे कि आप लोग अच्छी तरह से पता होगा आपको, और मैंने अपने टेलीग्राम पर भी इन्फॉर्म कर दिया था कि नोटिफिकेशन आप सभी का आ चुका है, ठीक है। इस नोटिस में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि आप सभी का जो एग्जामिनेशन है वो 29 जून और आपका 30 जून 2024 को जो वहाँ पे दिखाया गया कि उस 29 और 30 जून को जो आप सभी का एग्जामिनेशन है वो आपका होने वाला है, ठीक है। उसमें पूरी तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन लग रहा है कि हाँ, मतलब नोटिफिकेशन रियल है, कुछ एडिट उसमें लग नहीं रहा। अब अगर आपको नोटिस चाहिए तो साइड में मैं आपको लगा दूंगा, जैसे कि आपको ये पता चल जाए कि क्या नोटिस है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे साइड में देख सकते हो, नोटिस आपको दिख रहा होगा। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद आपको यहाँ पे ये सिंपली दिख रहा होगा कि नोटिफिकेशन में कोई भी एडिटिंग नहीं है। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, क्या हुआ कि अभी ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें पूरी तरह से ये बता दिया गया कि जो भी मतलब भ्रामक चीज़ें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं वो सारी चीज़ें फेक हैं। कोई भी मतलब अपडेट ऐसा नहीं है जो कि आपका रियल है, वो चीज़ आपको वहाँ पर बताई गई है। क्या ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से, यानी कि ट्विटर हैंडल से, यूपी पुलिस का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से अपडेट आया है, वो भी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। वो अपडेट हैंडल भी मैं आपको दिखा दूंगा, वहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है वो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपको मैं अगर मैं बात करूँ इस नोटिफिकेशन, यानी कि जो अपडेट दिया गया यूपी पुलिस को देखने के बाद, ठीक है, नोटिफिकेशन पूरी तरह से आपका क्या है, फेक है, ठीक है भाई। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रियल नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। 100% जो नोटिफिकेशन है वो पहली बात तो वो फेक है, ठीक है। लेकिन एक और बात मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा, आप जो सोच रहे मन में कि मतलब अब तो नोटिफिकेशन फेक है तो अभी भी पढ़ाई ना करें, देखिए काफी कैंडिडेट क्या हुआ है कि जब से आपका पेपर हुआ था, कितने तारीख को, आपका 17 फरवरी को और एक आपका 18 फरवरी को, ठीक है, 18 फरवरी 2024 को, ठीक है, इस डेट को आपका जो पेपर है वो आपका हुआ। लेकिन क्या हुआ कि जब से ये पेपर जो है, क्या हुआ कि आपका जो पेपर है वो आपका पोस्टपोन, मतलब डेट तो नहीं रखी गई कोई अभी भी, ठीक है, जब से ये पेपर को जो पोस्टपोन हुआ है, मतलब आगे को बढ़ा दिया गया है, तब से मैं बोल रहा हूँ काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो प्रिपरेशन बिल्कुल भी करना ही छोड़ चुके हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि बरसाती मेढक की तरह, ठीक है, मतलब जब वैकेंसी आई, जब एग्जामिनेशन की डेट आई, उससे तब जैसे 15-20 दिन पहले तो खूब इतनी पढ़ाई करेंगे कि जैसे कि यूपी पुलिस में वो सेलेक्ट ही होना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि बाद में जब मतलब क्या होता है कि पहले से वो तैयारी नहीं करते, बाद में ये सोचते हैं कि मैं 15-20 दिन में ही पूरा यूपी पुलिस का पेपर क्वालिफाई कर जाऊंगा। भाई ऐसे कैंडिडेट होते हैं केवल ज़्यादा ज़्यादा 5%, ठीक है, कितने परसेंट, 5% ऐसे होते हैं, नहीं तो 1-2% ऐसे होते हैं जो लास्ट टाइम पर मेहनत करके पेपर को अपना ले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है भाई, अभी से आपको अपनी तैयारी में रखना है। पेपर भले ही आपका मान लो ये नोटिफिकेशन 29 जून 30 जून को नहीं है, ठीक है, क्या पता नोटिफिकेशन अभी 2-4 दिन बाद ही, क्योंकि आप सभी को अभी एजेंसी ने अपना एजेंसी को ढूंढ रहा है, वो कॉलेज एजेंसी जो है कॉलेजों को ढूंढ रहा है, जैसे कि इंटर कॉलेज हो गए और आपका महाविद्यालय डिग्री कॉलेज वगैरह है, उन सभी कॉलेज की मतलब डिमांड कर रहा है कि कहां कहां पे कौन से कॉलेज किस किस डेट में खाली है, तो वो चीजों की प्रक्रिया भी चल रही है। तो फिलहाल वो प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद आपको ये बता दिया जाएगा कि आपके एग्जामिनेशन जो है कब होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को देख लेनी है भाई, इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी अभी भरोसा मत करो, ना ही कोई सोशल मीडिया पे, जितना हो सकता है प्रॉपरली वे में 100% तरीके से अपना 100% मन लगा के, ठीक है, अपनी तैयारी में लग जाओ, ठीक है। बिल्कुल अभी से आप लोग स्टडी करो बिल्कुल भी, ठीक है, जितना आप अपना डेली टाइम देना चाहते हो, अगर आपसे ज़्यादा नहीं तो देखिए 5 घंटे अगर आप दे पा रहे हैं वो भी ठीक है डेली बेस पे, ठीक है, मिनिमम आप अगर 5 घंटे दे रहे हैं तब भी बहुत है, अभी से अगर आप डेली प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी, ठीक है ना। तो बस इतने से ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपके एडमिट कार्ड को लेकर, एडमिट कार्ड अभी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एग्जाम का सिटी इंटीमेशन होता है, जब भी आपकी एग्जामिनेशन होगी उससे 8 दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम किस सिटी में है, किस डेट को है, ये आपको पता चल जाएगा। साथ ही जो एडमिट कार्ड होगा वो आपका एग्जामिनेशन डेट से 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड भी आ जाता है, तो वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। बाकी इस नोटिफिकेशन को लेकर बात करें तो ये नोटिफिकेशन पूरी तरह से फेक है, 100% फेक है, ठीक है भाई। बाकी आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, इस चीज को मत लीजिएगा कि पेपर ये आपका पोस्टपोन हुआ गया तो मतलब आगे कभी होगा ही नहीं या फिर दिसंबर में जाके होगा, भाई होगा ना तो आप फिर से तैयारी नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे 1 महीने में इन लोगों ने पेपर करा लिया, फिर से ऐसे ही पेपर करा लेंगे, ठीक है ना। तो आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए जून में हो सकता है, या तो अगर ये जून के 29 हो भी सकता है कि ये डेट आपका 5 दिन बाद या 10 दिन बाद यही डेट दे देंगे, ठीक है। अगर ये नहीं होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा जुलाई में, ठीक है, किस मंथ में आपका जुलाई 2024 में आप लोग ये समझ लीजिएगा कि पेपर के होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइएगा, बिकॉज अभी से अपने प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई चैप्टर वगैरह रह गए किसी भी सब्जेक्ट में, आप लोग अपना पूरी तरह से नहीं है कि मैं इसमें अच्छा स्कोर कर सकता हूँ,
उसको आप लोग स्ट्रॉन्ग करिए और डेली बेसिस पे, नहीं तो हो सकता है कि आपका 2 से 3 दिन बाद 4 दिन बाद अपना मॉक टेस्ट आपने लगाइए, आप एनालिसिस करिए प्रॉपर, आपको ये पता चल जाएगा कि आप मेरा कितना स्कोर आ रहा है, मैं किस जगह पे स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर अभी भी अगर आपका मॉक टेस्ट में 200 से नीचे स्कोर आ रहा है ना, तो ये समझ लो कि आप बहुत नीचे हो, ठीक है, बहुत नीचे हो। और जो कैंडिडेट अभी भी ऐसे हैं जो 230 240 के आसपास हैं, तो वो भी अपना मेहनत करो और स्कोर को बढ़ाओ भाई, जितना स्कोर बढ़ेगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि पेपर में जाके क्या होता है कि 10-20 नंबर और कम ही आते हैं, तो ये भी आपको पेपर प्रेशर रहता है काफ़ी टाइम पे, तो वो भी चीज़ों का दिक्कत का सामना हो जाता है। बस इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मतलब फिलहाल ये नोटिफिकेशन फेक है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बता दिए गए, अभी फिलहाल आप लोग मतलब जो भी अपडेट होगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आया करेगा, तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट को ही विजिट करें, किसी भी यूट्यूब चैनल या अन्य किसी माध्यम से आप लोग ऐसे से ना जुड़े जो कि आपको केवल व्यूज के लिए बात करता हो, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखते होंगे केवल और केवल वही अपडेट लेकर आता हूँ जो अपडेट ऑफिशियल होती है, ठीक है। मतलब आप कोई भी, कुछ यूट्यूबर ऐसे कि मतलब कुछ भी अपडेट लेकर आ जाते हैं अपने मन से ही, मतलब यार ये ठीक नहीं होता, ठीक है ना, कुछ लाइक व्यूज सब्सक्राइबर्स के पीछे, लेकिन आप लोग काफी कैंडिडेट के मन से अपना खेल रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती मुझे भी। तो मैं बस आपसे इतनी अपडेट देने के लिए यहाँ पे आया था, आप सभी को मेरे हिसाब से अपडेट अच्छी लगी होगी, ठीक है। रियल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने यार दोस्तों में कर सकते हो, और इसी तरह की अगर आपको अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लो, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊं उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिल पाए। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।